गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रिया का एक और अभ्यास। इससे पहले हमने आपको बताया कि क्रिया होता क्या है, किन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं, और साथ ही हमने कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में ये भी जाना कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं और क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर अब हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं, इसमें हम जानेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी कि क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। हमने कहा उठना, बैठना, जागना, खोना, सोना, रोना, भागना, सब क्रिया शब्द हैं। लेकिन इनमें से कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक क्रियाएं हम कैसे पहचानेंगे, तो चलिए आज इसी के बारे में हम जानते हैं इस मॉड्यूल के माध्यम से। यहाँ पर हमने लिखा है क्रिया के भेद यानी टाइप। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो दोनों ही नामों में आप देख सकते हो कि कर्म बीच में आया है, स कर्म अकर्मक। तो कर्म क्या होता है? कर्म यानी वो साधन, वो चीज जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है या जिसके साथ क्रिया की जा रही है। मैं लिख रही हूँ, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, किससे लिख रही हूँ? चौक से लिख रही हूँ। तो मेरे लिए कर्म क्या हो गई? चौक, क्योंकि मेरा जो काम है लिखने का वो किससे हो रहा है? इस चौक से। बच्चा सीढ़ी से चढ़ रहा है, बच्चा चढ़ रहा है ऊपर, किससे चढ़ रहा है? सीढ़ी से। तो बच्चे के लिए कर्म क्या हुआ? सीढ़ी, क्योंकि वो उससे चढ़ रहा है। तो जब चढ़ना काम हो रहा है और सीढ़ी उसका साधन, कर्म हो रहा है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर क्रिया शब्द तो हो, क्रिया शब्द के साथ कर्म भी मौजूद हो, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। मैं लिख रही हूँ, मैं चौक से लिख रही हूँ, तो मैंने लिखने का काम किससे किया? चौक से। तो यहाँ कर्म चौक के होने के कारण वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रियाएं कर्म के साथ हो, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म वो साधन वो साथ मौजूद हो, वो सकर्मक। जैसे अरुण पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने का तो वो काम कर रहा है, क्रिया हो गई पढ़ना। और किससे पढ़ रहा है, किस चीज को पढ़ रहा है, क्या और किसको, ये अगर हमें पता चलता है तो सकर्मक क्रिया, वो पुस्तक को पढ़ रहा है, सकर्मक। और ऑब्वियस सी बात है, सकर्मक में कर्म है इसलिए वो सकर्मक है, और जिसमें वो कर्म मौजूद नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगी? अकर्मक क्रियाएं। कैसे? जो क्रियाएं कर्म के बिना हो अकर्मक कहलाती हैं। जैसे अरुण पढ़ता है, तो पढ़ने का काम हो रहा है अरुण के जरिए, ठीक है। अब हमें यहाँ ये नहीं पता है कि अरुण पत्र पढ़ रहा है, मैगजीन पढ़ रहा है, पुस्तिका पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है हमें नहीं पता, तो ये क्या हुई? अकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया तो है लेकिन कर्म मौजूद नहीं है, यानी वो साधन वो स्रोत रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जिसके द्वारा वो क्रिया की जा रही है। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक। और कर्म क्या होता है? वो साधन जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो, तो वो कर्म का साधन होता है। और सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए आप क्या और किससे पूछ सकते हो? जिस वाक्य को जिस वाक्य से हमें ये पता चल जाए कि क्या उत्तर आ रहा है, वो पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। वो मित्र को पत्र लिख रहा है, किसको? मित्र को। तो अगर ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो वो सकर्मक क्रिया है। तो ध्यान रखिए, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। और इस आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, यहाँ भी कर्म है यहाँ भी कर्म है। तो कर्म के आधार पर क्रिया को हमने दो भागों में बांटा है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। दोनों में एक में अगर पढ़ता काम है, इसमें भी पढ़ना काम है, लेकिन यहाँ पुस्तक यानी कि कर्म मौजूद है, यहाँ पर कर्म नहीं है। तो कीजिए यह अभ्यास और इससे संबंधित और भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको दुविधा ना हो, आप समझ पाए कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। आगे के अभ्यास में हम आपको इसी प्रकार और भी अभ्यास क्रिया से संबंधित कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार क्रिया के धातु रूप से मूल रूप का निर्माण होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और करते रहिए अभ्यास, साथ ही सेहत का ध्यान जरूर रखिए। टेक केयर।